एक्सक्रेटर्स नहीं तो बाबर को खराब नहीं किया, आप समझते कहीं ना कहीं, क्योंकि यही एक्सक्रेटर थे, इवन इंक्लूडिंग चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो फॉर्मर चेयरमैन थे, कि जी बाबर के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। अगर ऐसा कर दें कि आप इसके अलावा नजर नहीं आता तो जो बाबर के नंबर पे खेलते आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि चेयरमैन को जब कोई नजर नहीं आता तो फिर बाबर सियाह करे सफेद करे जंगल का बादशाह। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और अली आप एक गलत मैसेज पास कर रहे हैं टीम में कि जी ये मेरा चहीता है। चहीते आपके पूरे 11 हैं, चहीते आपके पूरे 15 हैं, चहीते आपका पाकिस्तान का हर प्लेयर है कि मेरे लिए हर प्लेयर मेरा स्टार प्लेयर है। अब अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग अप्रोच होती हैं, अलग अलग एटीट्यूड होता है खेलने का, लेकिन प्लेयर आप सबको ये फीलिंग देते हैं कि भाई आप सब मेरे लिए स्टार हो। कप्तान को आप जबरदस्ती, हाँ, और यहाँ वो फीलिंग हो रही थी कि कप्तान जो चाहेगा टीम के सर के, कैसे भाई? अगर एक कप्तान गलत लड़का मांगता है, जैसे मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, इवन इमरान डिड द सेम थिंग कि मैं लड़का लूंगा तो वो लूंगा जो डिजर्व कर रहा होगा। मैं जब कैप्टन और उसके साथ एज ए चीफ सेलेक्टर जो हेड कोच के साथ बैठता था, मैंने कहा अगर आपको कोई लड़का चाहिए आप मुझे कन्विंस करेंगे कि ये लड़का क्यों चाहिए, और हम कहेंगे नहीं हम कन्विंस नहीं हूँ, आपको नहीं देंगे हम लड़का, इसलिए पाकिस्तान की टीम बन रही है। अली ये आपकी फीकी है, मेरे घर की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है, तो इसको इस लिहाज से देखना चाहिए। और जहाँ पर भी आप देखेंगे हल्की सिलेक्शन कमेटी होगी वहाँ ये प्रॉब्लम हमेशा खड़ी होगी, कप्तान डोमिनेट कर जाएगा, हेड कोच मैंने उनसे जब मैं था उस वक्त जैसे वकार था और शाहिद अपना शाहिद अफरीदी था, मैंने दोनों को कहा, मैंने कहा जो डिजर्विंग प्लेयर आपको चाहिए वी आर राइट बिहाइंड यू, गलत प्लेयर हमसे मत मांगना, जो जिसका तुम्हारा कोई फेवरेट है तो उसको फेवरेट नहीं मांग लो, हमारे लिए पाकिस्तान का हर प्लेयर फेवरेट है। ये चीज़ जिस दिन हमारे सिस्टम से ख़त्म हो गई रेगुलरली, और यही इसकी वजह थी, वन ऑफ द रीजन अली, जिसकी वजह से मेरे खिलाफ एक वो चली कि ये सिफारशी नहीं खिलाता है, ये टीम में जुआ भी नहीं होने दे रहा है, तो इसको हम ये कर देते हैं कि ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। आई टेल यू व्हाट, उस वक्त काश मुझे एक ऐसा चेयरमैन मिल गया होता या इमरान जैसा आदमी मिल गया होता कि जब भी ठीक है मैं मेरिट देखूंगा, मेरिट पे मोहसिन काम कर रहा है, और मेरिट देखिए आपकी चीफ सेलेक्टर की अकाउंटेबिलिटी किसके पास है, चेयरमैन की अकाउंटेबिलिटी किसके पास है, पेट्रन इन चीफ की। तो ये जब अकाउंटेबिलिटी का पूरी चेन बन जाती है तो मैं या इफी आप हम हमेशा केयरफुल रहेंगे कि यार हम गलत काम जानबूझ के नहीं करेंगे।